Hello, hi, how are you? Class 7. And yesterday we together enjoyed chapter quality. And we will complete that chapter reciting this poem, Trees. हम इस poem को पढ़ते हुए उस quality chapter को आज complete करेंगे. This is a poem by Sarali Babur. And as you know all that there is a purpose behind every poem, you know. Every poem and every chapter in your notebook has any purpose. That's why they mentioned here in NCERT books those chapters. And in this chapter by the poet, we are told the importance of the trees in our lives. In human lives. The poem has been composed in very simple language that can be understood by every children like you. So we will enjoy it today. हम इसको पढ़ेंगे नहीं, enjoy करेंगे, और इसके पीछे का जो purpose है वह जानने की कोशिश करेंगे. तो first of all, let me tell you that जैसा कि ये chapter आज trees का है और trees का importance हमें आज ये poet बताएंगे, तो इसीलिए मैंने भी आज ग्रीन कलर का जो पेंसिल है वो ले ली है. ओके, देखो पेड़ के कलर जैसा ही बिल्कुल मेरी पेंसिल भी है. और अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को. सो टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ. मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव्स अस, देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज. सबसे पहले आपको क्या करना है इस पोएम को पढ़ने से पहले, कि हमें कुछ मिनट लेनी है, अपने कुछ मिनट हमें लगानी है, अच्छे काम में यूज़ करनी है. वो अच्छा काम क्या है बेटा, वो ये है कि एक दूसरे को, जो आपके फ्रेंड्स है दैट लिव्स नियर यू, जो आपका मित्र आपके पास रहता है या रहते हैं, उनको आपको उन पेड़ों के नाम बताने हैं जिनको आपने देखा है. आप उनको जानते हो पेड़ों को, या आपने उनके बारे में किसी और से सुना है, और ऐसी चीज़ों के बारे में मेंशन करना है आपस में जो चीज़ें पेड़ आपको देते हैं, कि पेड़ आपके लिए किन चीज़ों में यूज़फुल है. जैसे कोई आम का पेड़ फल देता है, लकड़ी भी देता है, ठीक है, और केले का पेड़ केले देता है, और साथ साथ उसकी पत्तियां पूजा में भी यूज़ की जाती है, ठीक है. इसी तरह से तुलसी रोगों को भगाने के लिए, लाइक दैट. तो आपको पेड़ों और उनके इम्पोर्टेंस, उनकी यूज़फुलनेस, ये सब आपको डिस्कस करना है, और फिर इस पोएम को आपको पढ़ना है, तब आप कहीं जाकर इसका इम्पोर्टेंस बड़ी इजीली समझ पाएंगे. अब देखते हैं. ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन. मैंने कहा है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पोएम लिखी गई है. ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन. कहते हैं कि पेड़ किसके लिए हैं, पक्षियों के लिए हैं, होते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए भी होते हैं, ठीक है, और घर बनाने के लिए भी होते हैं पेड़ों पे, कि पेड़ों पे जैसे पक्षी वगैरह घर बनाते हैं, या पेड़ों की लकड़ियों से ही घर बनाते हैं, और पेड़ जो है झूला झूलने के लिए भी होते हैं. ट्रीज आर टू स्विंग सॉन्ग, ठीक है, और उसके बाद ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. तो हाइड एंड सीक क्या होता है, जब आप छुप छुप कर खेल खेलते हो, कि एक आदमी आपको ढूंढता है. वेन यू प्ले अ शो टू गेम्स लाइक वेन All the participants hide themselves behind anything or anywhere, and one participant tries to find out others. Like that, हिंदी में लुका छुपी कहते हैं. तो पेड़ों के पीछे छुपकर लुका छुपी भी खेली जाती है. तो पेड़ का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि पेड़ क्या होते हैं, हवा चलने के लिए होते हैं इनकी पत्तियों से, हाइड एंड सीक खेलने के लिए भी होते हैं, ठीक है. ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, के टी पार्टीज भी कर सकते हैं पेड़ के नीचे बैठ के आप, ठीक है. ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, पतंगों के लिए भी होते हैं, जैसे कि आपकी पतंग पेड़ में कोट हो जाती है, पकड़ी जाती है, उलझ जाती है, उनके लिए भी होते हैं, ठीक है. और ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, गर्मियों में इनके नीचे आप समर में कूल शेड भी बना सकते हैं, ठंडी छाया भी आपको देते हैं. ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और विंटर में आपको नो शेड यानी कोई भी छाया नहीं देते हैं, क्योंकि फरवरी के आसपास उससे पहले ही नहीं, सर्दी आने
के साथ साथ ही पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती है। तो पेड़ आपके लिए इतने यूज़फुल है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्दी आने पर खुद ही इनकी पत्तियां चली जाती हैं, जिससे कि आप इनके नीचे बैठ के धूप सेक सके, और गर्मियों में खुद ही बेटा इनकी पत्तियां वापस आ जाती हैं, जो आपको ये क्या दे सके, छाया दे सके। एंड आफ्टर दैट ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू गो ऑन एंड पियर्स। पेड़ किसके लिए होते हैं? सेब के लिए होते हैं, और नाशपत्ति के जिन पर उगती है नाशपत्तियाँ और क्या एप्पल्स ग्रो होते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। ट्रीज जो है कटने के लिए बेचारे होते हैं, इनको लोग काट देते हैं और फिर इनको क्या कहते हैं, टिम्बर कहते हैं, लकड़ी का सामान कहते हैं, लकड़ियाँ भी बोलते हैं, इनको काट डालते हैं, यानी कटने के लिए भी होते हैं। ट्रीज मेक मदर से व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट। पेड़ माता से ये भी कहलवाते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है पेंट करने के लिए, कि मैं भी ऐसा ही चित्र बनाऊंगी और पेंट करूंगी, ठीक है, जब आप ड्राइंग करते हो। ट्रीज मेक फादर से व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। पेड़ पिता से ये भी कहलवाते हैं आपके डैडी से कि झड़ने के लिए कितनी सारी पत्तियाँ पेड़ पर हैं, कि पेड़ पर देखो कितनी सारी पत्तियाँ सारे झड़ जाएंगी। तो सरली बाबर आपको क्या कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली, ये आपको पेड़ों का इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं। अभी देखा आपने कितनी ये जो पेंडेमिक चल रही है इसमें कितनी ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो गई थी, चारों तरफ ऑक्सीजन ही नहीं थी। तो अगर पेड़ पौधे काट कर हम इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं करते कि पेड़ पौधे काट कर ऊँची ऊँची बिल्डिंग बना दी, ये वो, कम से कम बिल्डिंग बनाओ कोई मना नहीं करता, लेकिन पेड़ों के लिए एक जगह हो या फिर सबको एक पेड़ लगाना चाहिए ज़रूर। तो अपने सारे फ्रेंड्स की और जो भी आपके जानकार हैं या अक्वाइंटेंस हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या जिनसे आप टच में रहते हैं, प्लीज़ उनसे इस बारे में डिस्कस कीजिएगा कि पेड़, और उन्हें बताइएगा अगर आपने कुछ सीखा हो इस पोएम से तो उन्हें बताइएगा कि पेड़ का इतना सारा इम्पोर्टेंस होता है, कि पेड़ हमें ये देते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो भी यहाँ आपने पढ़ी उनको बताइएगा, समझाइएगा और उनको इस बात के लिए एनकरेज कीजिएगा कि पेड़ ज़रूर लगाएं। उनके नीचे बैठकर आपको छांव मिलती है, जैसा कि इसमें जो भी इसके बेनिफिट्स हैं वो भी सब आपको बताने हैं और उनको राज़ी करना है पेड़, और आप भी ज़रूर पेड़ लगाएं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक तो पेड़ ज़रूर लगाएं, जिससे ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हमारे एनवायरनमेंट में ना हो। सो थैंक यू बेटा, आज बस ये छोटी सी पोएम थी, और साथ ही साथ मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दूंगा आप पे, वो भी कर लेंगे, कल से नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टे सेफ एंड बी काइंड एंड थैंक्स टू रीड आउट दिस चैप्टर एंड रिसाइट द पोएम प्लीज़। पोएम को प्लीज़ रिसाइट करेंगे, क्योंकि आप रिसाइट करेंगे तभी दूसरों को समझा पाएंगे। ओके, थैंक यू।